हे गाइस, मैं तो ब्लॉग शुरू कर रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से वीडियो ऑन करते ही पहले तो रोना आ गया कि आप सबके साथ सब कोई भी ये बात जब भी किसी के साथ शेयर करने जाती हूँ तो पहले तो मेरा यही हाल होता है। तो आज का वीडियो आप सब लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का, तो थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। क्या हुआ मेरे और मेरी बच्ची के साथ वही मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिए आप सब। उसके बाद वीडियो करने की तो मेरी बेटी जो है सोई हुई थी, उठ गई, तो उसको देख के मेरा जो रोना था वो हंसी में बदल गया है, क्योंकि उसको देख के ही मैं हंसती रहती हूँ। तो वीडियो देखिए आप लोग। ऐसे नहीं करते। ओहो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और हम लोग भी फ़िलहाल अभी ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था कुछ दिनों पहले, तो कुछ भी ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं दिया और ज़रूरी भी नहीं समझा कि कुछ करना, क्योंकि पहले तो मेरी ये बेटी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बाकी कुछ भी। अच्छी गई, इधर इधर बोल दो, इधर इधर बोल दो, इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो। नहीं 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 रोते, नहीं रोते, अच्छे बच्चे नहीं रोते। क्या 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 लगता है वीडियो नहीं करने देगा? मैं मुझे आप लोगों से शेयर करना था ताकि मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो। तो मैं थोड़ी देर में आप सबसे मिलती हूँ, इसको सुला लेती हूँ, तो थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दिव्यांशी जो है सोई नहीं है अभी, आप सब देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे खेल रही है। और उस दिन का बात जो है मैं बताती हूँ जो उस दिन क्या हुआ था। तो मतलब इसका जो पैर जल गया था कैसे हुआ, तो सुबह का टाइम था, ये सुबह उठी थी, खेल रही थी, उसके बाद सुबह का टाइम था और क्या हुआ था कि मैं अपने हस्बैंड को चाय दे रही थी, मतलब चाय पीने वाले थे वो। तो मैंने क्या किया कि हस्बैंड को बोला कि इसको पकड़िए और मैं चाय बना के देती हूँ। तो उसी बीच में जैसे कि हम लोग उसको चाय दे के, मैं हमेशा ही क्या है चाय दे देती हूँ, वैसे तो जब वो चाय पीते हैं तो दिव्यांशी नहीं रहती है। तो उस दिन क्या हुआ था, तो मैंने बोला इसको पकड़िए और मैं चाय बना कर देती हूँ। तो चाय का कप मैंने डाइनिंग पे रखा ही था और जैसे कि ये अपने पापा की गोदी में थी, तो उसको मैंने रखा वहाँ पर और चाय का कप को रख के और मैं उसको गोदी से ले लेती, दिव्यांशी को जो है मैं उसके पापा को चाय दे के उसे ले ही लेती। लेकिन इसने क्या किया, उतना भी टाइम नहीं दिया इसको बचाने का। मैंने जैसे ही कप रखा, उसने उसी साथ ही साथ उसने हाथ अपना लगा दिया, और हाथ लगाने के बाद साथ ही साथ, क्योंकि चाय बहुत गर्म था, मैंने जस्ट चाय उतार के दिया ही था तो उसके पैर में गिर गया और उसका जो थाई का एरिया था पूरा ही जल चुका है। और उस दिन का जो सिचुएशन था मैं बयान नहीं कर सकती यहाँ पे, जे क्या हाल हुआ था मेरा बेटी का। और मेरा तो छोड़िए, हम लोगों का क्या है यही दर्द, क्योंकि मैंने फील नहीं किया वो दर्द जो है मेरे, सिर्फ मेरी बेटी ने फील किया है। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं आंसू बहा सकती हूँ, मैंने भी बहुत रोया, लेकिन वो जो दर्द था सिर्फ मेरी बेटी ने सहन किया। और भगवान ना करे किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो। तो मैं जो कोई भी कभी कभी बच्चे के साथ बैठ के चाय भी पीते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे चाय तो नहीं पी रहे थे लेकिन फिर भी वो घटना हो गया, तो प्लीज़ बच्चे के साथ बैठ के कोई भी ऐसा गर्म चीज़ ना लेकर ही बैठे तो ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है अभी मेरी बेटी जो है अभी 8 महीने का हो गया, तो अभी ये चीज़ वो चीज़ सब कुछ पकड़ना चाहती है। तो सबके बच्चे ही वैसे ही हो गए इस उम्र में, तो बच्चे को लेकर रिस्क ना ले, मैं भुगत चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ये बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी ताकि मेरे जैसा सिचुएशन किसी और के साथ ना हो। और उस दिन का जो हाल हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक इसका जो हाल है, मैं नहीं दिखाऊंगी कैमरा में क्योंकि बहुत ज़्यादा जला हुआ है, अभी थोड़ा सा बेटर है, ये सूख रहा है घाव इसका जो हुआ है, पूरा स्किन जो ऊपर का स्किन जो है पूरा जल चुका है।
तो ये सब मैं सोशल मीडिया पे ऐसे करके दिखाना नहीं चाहूंगी, बच्ची का बात है, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ मुझे क्या हुआ था मेरे साथ। तो यही है, और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और हम लोग एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे इसको लेकर। इससे शायद इतने महीने में इतना नहीं रोया जितना इसे एक दिन में रोया है। अभी भी आप लोग इसको देख सकते हैं, बदमाशी इसका चालू है, ये वो करती रहती है, थोड़ी देर भी नहीं बैठती है, इतना कुछ हो गया। बच्ची है फिर भी मतलब थोड़ी देर नहीं रहती है, इधर उधर करती रहती है। इसको अभी ऐसे ही करके रखा है, तो इस पैर में हुआ है, तो अभी इसको पैंट वगैरह हगीज वगैरह कुछ भी नहीं पहनाना है। तो कॉटन का जो कपड़ा है इसको यहाँ पे यही पहना के रखी हूँ, ताकि इसको रेसेस ना हो और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे ही कॉटन का कपड़े से लपेट कर रखती हूँ इसको। और क्या ही बताऊँ, जो दिन गया कुछ दिनों का, तो लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। क्या हुआ स्माइल करके दिखा दो, इधर बोल दो मैं बहुत बदमाश हो गई हूँ, बोल दो मैं बहुत बदमाश हो गई हूँ मेरी बेटी। इसका जो ये हंसी था, ये हंसी उतर गया था, क्या बोले तो बच्चे का ये हालत, कैसे ये रोई थी, वो सब याद करने से अभी भी रू कांप जाता है। उस टाइम का जो हालत था और उस दिन जो हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, जो मैंने इतना भी नहीं सोचा था, चाहे गिरा तो मैं साथ ही साथ अपनी जेठानी जो है इसने लिया था इसे, और मैं इधर जलने का क्रीम लेने आई थी। तो जलने का क्रीम लेकर रिटर्न होने तक इसका पैर का जो चमड़ा तो था, स्किन पूरा ऐसे ऐसे पूरा पकड़ लिया था। साथ ही साथ मैंने इसका पैंट वगैरह खोला, हगीज पहना हुआ तो खोला, और वैसे ही जैसे थी इसको पकड़ के हॉस्पिटल ले गई। बोलने नहीं दोगी आज बोलने नहीं दोगी, तुम्हारे बारे में बोले बोलने नहीं दोगी, ऐसे नहीं नहीं ना नहीं 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 बोलो तुम ही बोलो हाँ मोबाइल चाहिए तितली किधर है? तो ये कुछ वीडियो करने ही नहीं दे रही, इतना तंग कर रही है। तो बेसिकली जो मैं मुझे बोलना था आप सबके साथ, तो वही था कि आप सब भी अपने बच्चे का ध्यान रखिए, क्योंकि ये घटना जो है मेरी बेटी का जो है बहुत लकीली बच गई, तो इसका अभी मैं बहुत ध्यान रखना पड़ता है उससे भी ज़्यादा। अभी इसको लेकर मैं किचन में भी नहीं जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, इससे साथ ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि एक डर घुस गया है। तो आप सब भी अपने बच्चे का ख्याल रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक कुछ ना हो ना तब तक हम लोग सोचते हैं अरे बच्ची है खेलने दो, लेकिन बोलते हैं ना घटना घटने में समय नहीं लगता है। तो बहुत ध्यान से रखिए। अभी इसको देखिए पकड़ के रखी हूँ, इधर उधर दौड़ती रहती है, क्या देख रही हो बदमाशी करती हो, दिखा दे रही हूँ सबको, खाली बदमाशी करती हो। एक सेकंड भी इसको रेस्ट नहीं, इधर उधर करती रहती है। तो अभी ज्यादा इसको केयर करने का जरूरत है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि हाँ, उस दिन मुझे फील हुआ था कि माँ का दर्द जो क्या होता है, उस दिन मुझे फील हुआ था। ये नहीं बोलूंगी कि फील तो शुरू से ही है, लेकिन इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उस दिन मुझे लगा कि एक बच्चे को जब दर्द होता है तो माँ का मतलब माँ का जो क्या बोलो माँ का जो कलेजा क्या हो जाता है। पापा बोल दो। और साथ में एक गुड न्यूज भी है कि ये इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो निकला है पापा। तो दिन भर पापा पापा ही करती रहती है, तो मैं भी तरस रही हूँ कब ये माँ बोलेगी। तो हम ही बोलती है, पापा ही बोलती है सिर्फ, और यही है। सोचा था अभी ब्लॉग कुछ दिन नहीं करूँगी, लेकिन सोचा ये जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद
मेरा जब मन हो तब मैं ब्लॉग करती रहूंगी। ये कोई ब्लॉग नहीं था, डेली ब्लॉग नहीं था, एक इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे सभी पेरेंट्स के साथ पहुंचाना था कि जो मेरे साथ हो किसी के साथ ना हो। तो आज का ब्लॉग में यही था बस, और तब तक के लिए मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी मिलकर मेरी बेटी के लिए बहुत बहुत ही ब्लेस करिएगा मेरी बेटी को कि वो जल्दी ही रिकवर कर जाए। जल्दी से रिकवरी करेगी तो उसका अभी चलने का समय है, तो भी वो थोड़ा सा चलेगी, अभी तो चलने की कोशिश करती है, ठीक होगी तभी तो उसको मैं छोड़ सकती हूँ। तो वही है, तो ठीक है, और ज़्यादा बात और वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगी। तो मिलती हूँ आप सबसे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोल, स्माइल करके बाय बोल दो। हाँ।